ये घटना आज से लगभग 59 साल पहले की है। ऐसी घटनाएं मैंने सिर्फ हॉरर कॉमिक बुक्स में पढ़ी थी। ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ होगा। मेरा नाम सुधीर मोहन शर्मा है। उस वक्त मैं 11 साल का रहा होऊंगा। अपने पिता और रिश्तेदारों के साथ मैं अपने गांव आसापुर से रामपुर ज़िले के ब्रजपुर गांव में एक शादी में आया हुआ था। हम 5 बजे तक ट्रेन से ब्रजपुर पहुंच गए थे। सभी बारातियों को एक घर में रुकवाया गया था। उन दिनों गांव में पुरुषों के लिए घरों में टॉयलेट की व्यवस्था कम ही हुआ करती थी, तो सभी पुरुष गांव के खेतों में ही फ्रेश होने चले जाते थे। रात के 8 बज रहे थे। मैं अपने 4-5 दोस्तों के साथ झाड़ियों की तरफ लोटा लेकर बढ़ गया। अपने सभी दोस्तों में सबसे छोटा मैं ही था। फ्रेश होने के बाद सभी दोस्त खेलने लगे और एक दूसरे पर मिट्टी के डेले फेंकने लगे। उनमें से एक डेला मुझे आकर लगा। नाराज होकर मैं अपने सभी दोस्तों को छोड़कर बिराने की ओर चला गया। गुस्से में मैं ये ही भूल गया कि मैं काफ़ी बिराने के अंदर चला आया था। जब मुझे ख्याल आया कि मेरे दोस्तों की आवाज़ें आना बंद हो गई हैं, मैंने चारों ओर देखा तो मेरे आसपास कोई नहीं था। मैं घने जंगल में आ गया था। अब मुझे थोड़ी चिंता होनी शुरू हुई। पिताजी और बाकी रिश्तेदारों को पता भी नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। जब उनको पता चलेगा तो बहुत डांट पड़ेगी। यह सोचकर मैं और बेसब्री से वहाँ से निकल जाने का रास्ता ढूंढने लगा। मैंने अपने दोस्तों को आवाज़ दी लेकिन कोई जवाब ना मिला। तभी मुझे कुछ हलचल सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ें आ रही हैं। मैं उसी दिशा में बढ़ गया। मुझे लगा कि शायद पिताजी और बाकी बाराती हैं, लेकिन जब मैं आवाज़ की दिशा में पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जंगल के बीच मुझे कुछ आकृतियां दिखाई दे रही थीं, कुछ इंसानों जैसी आकृतियां जो छोटे छोटे गुटों में बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। उनको देखकर कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। फटे पुराने कपड़े, असामान्य से हाथ पैर आँखें, उनको देखकर एक मनहूसियत सी महसूस हो रही थी। वो क्या बोल रहे थे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी भाषा अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नाक से बोल रहे हों। कुछ देर मैं अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। फिर पिताजी का ख्याल आया तो मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा। उन लोगों के पास पहुंचकर मैंने उनसे पूछा, अरे भैया, ये ब्रजपुर का रास्ता कहाँ होगा? लेकिन उनमें से किसी एक ने भी मेरी तरफ नहीं देखा, जैसे मैं उनको दिख ही ना रहा हूँ। वो आपस में इतने व्यस्त थे। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। फिर मेरा ध्यान थोड़ी ही दूर पर एक टीले नुमा स्थान पर गया, जिस पर एक आदमी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। देखने में वह एक अघोरी जैसा था। शरीर से बलिष्ठ, लंबी लंबी जटाएं, आंखें बंद किए वह उस टीले पर बैठा हुआ था। बाकी सभी लोग उससे थोड़ी दूर एक निश्चित दूरी बनाए बैठे बतिया रहे थे। मैं उस रहस्यमय व्यक्ति के पास चला गया और पूछा, अरे भैया, ये ब्रजपुर का रास्ता कहाँ है? लेकिन उसने भी ना जवाब दिया ना अपनी आंखें खोली। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी समाधि में हो। फिर मैंने दोबारा वह प्रश्न पूछते हुए उसकी ठोड़ी को छुआ, अरे बाबा, ब्रजपुर का रास्ता जानते हो? और मेरा ऐसा करते ही वह घोरी एकदम से जाग गया। उसने अपनी आंखें खोली, वो बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें। मुझे देखकर वो बेहद गुस्से में कुछ बड़बड़ा रहा था। मैं घबरा गया। उसने अपना हाथ उठाकर उन लोगों से कुछ इशारे में कहा। मैं समझ नहीं पाया कि उसने क्या कहा, लेकिन उसका इशारा करते ही वहां बैठे सभी लोग एकदम से सक्रिय हो गए और मुझे देखने लगे। उसके बाद जो हुआ वो खौफनाक था। उस अघोरी ने चिल्लाया, पकड़ो उसे। और यह कहते ही वे सभी आकृतियां मुझ पर झपटी। मैं उनके पीछे से कूदता हुआ भागा। वे सभी मेरे पीछे लपके, मगर भाग्यवश मैं उनके हाथ न लगा। मैं वहां से निकलकर जितनी तेजी से हो सकता था दौड़ा और पलटकर नहीं देखा, मगर मैं महसूस कर सकता था कि वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां बारात रुकी हुई थी। वहां पहुंचते ही मैं गिर पड़ा। वहां खड़े लोगों का ध्यान मुझ पर गया। मेरे पिताजी भी वहीं थे। उन्होंने मुझे उठाया। मैंने उन सभी को बताया, वहां
जंगल में कोई है, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। किसी को मेरी बातें समझ नहीं आई। पिताजी ने कहा, सुधीर बेटा कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, तुम्हें शायद भ्रम हुआ होगा। मैं किसी को समझा नहीं सका कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। मैं खाट पर जाकर लेट गया। रात में मुझे बहुत तेज बुखार आया। मैं कब सोया पता भी नहीं चला। अगली सुबह पिताजी के साथ कुछ रिश्तेदारों ने मुझसे उसी स्थान पर चलने को कहा। मैं उन्हें डरते डरते वहां ले गया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, ना वो आकृतियां और ना ही वो रहस्यमय अघोरी। गांव वालों ने बताया कि उसी स्थान के पास में एक शमशान है, हो सकता है वहां से कुछ लोगों को मैंने देखा होगा। लेकिन मैं जानता था कि मैंने जिनको देखा वो इंसान नहीं थे, और वो रहस्यमय अघोरी किसी ना किसी तरीके से अपनी ध्यान मुद्रा में समाधि लेकर उन पर नियंत्रण कर रहा था। शायद मैं गलत समय पे गलत जगह पहुंच गया था। आज तक इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन ये किस्सा मेरे जहन में एकदम ताज़ा है। आज तक मुझे ये नहीं पता कि वो लोग कौन थे, वहाँ क्या कर रहे थे, वो लोग थे भी कि नहीं। लोगों का ऐसा मानना है कि इस तरीके से शमशान के पास में अघोरी अपनी तंत्र साधना करते हैं और रात के समय समाधि में जाकर अच्छी और बुरी आत्माओं को वहाँ पर बुलाते हैं और अपने नियंत्रण में करते हैं। मैं जिस समय वहाँ पहुँचा, हो सकता है कि मेरे रुकावट डालने से वो अघोरी जिस तरीके से चिल्लाया और उसने गुस्सा करा, उसने उन सभी आत्माओं को मेरे पीछे छोड़ा होगा। इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये घटना मेरे जहन में तरोताज़ा है। आज तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला कि उस रात उस अघोरी के साथ वो आकृतियाँ कौन थीं, वहाँ क्या कर रही थीं। शायद मैं गलत समय पर गलत जगह पहुँच चुका था।